सपा के नेता अखिलेश यादव ने कई दिनों से हड़ताल पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाई और योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने इस दौरान महिला कर्मचारियों का साथ देने की बात कही और कहा, सपा इन महिला कर्मचारियों की आवाज बनेगी। यही नहीं, दीपोत्सव से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार को घेरा। पिछले कई दिनों से वेतन में बढ़ोतरी और ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर धरने पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने रविवार को मांग पूरी हुए बिना ही धरना खत्म कर दिया। इसके बाद ये महिला कर्मचारी यहां से अखिलेश यादव के आवास पहुंची, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। अखिलेश ने इस दिवाली उत्सव की तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, इस बार हमने अपने घर पर डायल 100 की संघर्षरत बहनों के साथ एक परिवार की तरह दिवाली मनाई और उन्हें आश्वस्त किया कि सपा डायल 100 की बहनों के संघर्ष की आवाज बनेगी। साथ ही संवेदनात्मक संकल्प के दीप भी जलाए कि उनके साथ बिना किसी दुर्भावना के सच्चा न्याय सुनिश्चित हो। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, संवेदना समाजवादी मूल्यों की भावनात्मक कोख होती है, जिसे समाज के शोषितों के लिए सद्भावना जन्म लेती है। दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, पीडीए की सत्ता आएगी, सामाजिक न्याय की रोशनी लाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दीपोत्सव का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ बच्चे दीयों से बचे हुए तेल को डिब्बे में भरते दिखे। अखिलेश ने ये वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा और कहा, ऐसा पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाटी नहीं गरीबों का घर भी जगमगाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार तमाम मुद्दों को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इस बार दीपावली पर भी उन्होंने योगी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का मौका नहीं छोड़ा और एक के बाद एक कई पोस्ट के जरिए सरकार को आड़े हाथों लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।